पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा की वो वाणी सिद्ध होगी, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई मोए सब जग भूला पाया। इस भूल में कौन कौन भूले वो आपको बता दिया कि सारे भूल में थे ये। परमात्मा कहते हैं भाई राम कहे राजी नहीं, ये चोरा नाल खुशहाल है, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल है। अब ये राम कहें तो राजी नहीं, यानी यथार्थ भक्ति मार्ग पूर्ण परमात्मा की भक्ति के ये निकट नहीं, और चोरा नाल खुशहाल ये नकली संतों के साथ ये राजी होकर फिर इनके पीछे पीछे ये भगवान मिलावेंगे। कहते नहीं, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे कोई युगन युगन के माल। माल कहते हैं पहलवान को। इस मल यानी इस काल के साथ जो हमारा अज्ञान के साथ अज्ञान के साथ ज्ञान संघर्ष है, और पार होने वाला जो अखाड़ा है, कहते हैं इस अखाड़े को वही जीतेंगे जो युगन युगन के माल हैं, पहलवान हैं। आप जी युगों युगों से परमात्मा की टोह में, परमात्मा की चाह में प्रयत्नशील रहे हैं, और प्रभु दयालु हैं, आप जी को किसी ना किसी के माध्यम से आपको अपनी शरण में कभी ना कभी लिया है, और वो इतने परमेश्वर इतने कृपालु हैं और इतने वो विद्वान हैं, सर्वज्ञ हैं, कि उनको पता था कि इन भोली आत्माओं को एक बार रह रहकर बैटरी चार्ज कर जाते हैं। वो आते हैं 600 प्रत्येक युग में आए परमात्मा, और आप जी की बैटरी चार्ज कर गए। पता था कि तुम अभी पार नहीं हो सकते, अभी ब्रांड माटी हो ही नहीं है तुम्हारी सतयुग में, फिर त्रेता में आए, फिर बैटरी चार्ज कर गए कुछ आपकी सभी। इतने तो वो आए युग में अपने शरण में लेकर के उनको ऐसे ही चार्ज करके छोड़ जाते हैं। ऐसे त्रेता युग में आए, फिर द्वापर में आए, और कलयुग में आए 600 साल पहले। आप जी की बैटरी चार्ज करके 64 लाख से सोए थे कबीर भगवान के, आज से 550-600 वर्ष पूर्व जो परमात्मा यहां विद्यमान रहे 120 वर्ष। तो आप जी को कुछ भक्ति शक्ति देकर के, आपका नाम मंत्र देकर, आशीर्वाद वगैरह देकर आपको चार्ज कर गए। पता था अभी भी पार ना हो, क्योंकि नकली संतों को ये असली मान रहे हैं, इन चोरों को ये खास भगवान संत मान रहे हैं। चोर हैं जो भगवान की भक्ति चुरा करके, सच्चाई ना बता करके नकली ज्ञान प्रसार करते हैं। अब वो दयालु आपकी बैटरी चार्ज करके 600 वर्ष पहले छोड़ गया आपको यहीं पर। अब वही पुण्यात्मा उसी भक्ति की शक्ति से मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रही है। अब दो प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है, एक तो टर्न वाइज नंबर वार,
84 लाख योनियों यानी प्राणियों के शरीर में दुख उठाने के पश्चात एक टर्न वाइज नंबर मनुष्य का मिलता है। तो वो टर्न वाइज नंबर जिनको मिला है, जो पशु पक्षी जड़ दुनी से आए हैं, तो वो भगवान को नहीं चाहते शीघ्र सी, बिल्कुल नहीं। वो तो बकवादा में कि तो और फंडा में लागे रहेंगे कि तुम कुछ कर लो। और दूसरे आते हैं जो पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति करते हुए आ रहे हैं, उनको तुरंत मनुष्य जीवन मिल गया। एक भी मिल सके, दो भी, दस भी, सौ भी हो सकते हैं आपके जन्म, इतनी भक्ति आपकी मालिक करवा जाते हैं। तो वो प्राणी जो पिछली भक्ति करते हुए मनुष्य जीवन फिर प्राप्त कर रहे हैं, वो तुरंत मालिक, वो मार्ग, वो भगवान की भक्ति बिना रह ही नहीं सकते, चाहे उनको दिशा कैसी ही मिली हुई हो, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में, या कि तो और चार ईंट लगा के कोई व्रत रख के, कोई किसी सदग्रंथ का स्वाध्याय करके, या कोई किसी के कहे अनुसार कोई मंत्र जाप करके अपना काम लाग रहा है, अपनी भक्ति वो कर रहा है, वो रह नहीं सकता भक्ति बिना। तो वो परमात्मा इसे दयालु है कि आपको अब फिर मिल गया करके इस दास को भेज दिया, और आप हैं युगन युगन के माल पहलवान, पहले से इस अखाड़े में आप प्रयत्नशील हैं, आप पहलवानी करते आ रहे हो, अच्छी खुराक खा रहे हो, दंड पेल रहे हो, यानी भक्ति का जो है ना मेहनत परिश्रम आपने कर रखी है, और ये राम नाम की खुराक खा रखी है, अरीब शुरू कर दी। फिर पहलवान दोबारा कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल वो नकलियां के बस का कोना। इसी प्रकार परमात्मा की टोहो में, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने रूप को हल्का करता है, करता हुआ, और अपनी उपासकों के विघ्नों को, जो संकटों का मर्दन करता हुआ, अपनी प्यारी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, जो अच्छी आत्मा, उनको आकर बिजली की तरह प्राप्त होता है, यानी एक सेकंड में पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के काज रणा कुछ उतर उधर विदारी या नरसिंह धर के साज। कहते हैं एक अक्षण में, एक क्षण में बिजली की तरह की गति से परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा पैठू पाताल और कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अब वो परमात्मा जो स्वयं अपनी वाणी में कह रहे कि मैं भगवान हूं, मैं ऐसे आता जाता हूं, और वही वेद प्रमाण कर रहे, तो इसी उद्देश्य से वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक से चलकर यहां आता है। तो परमेश्वर जो शिशु रूप धारण करके बनारस में प्रकट हुए कमल के फूल पर, उसी दौरान वो धीरे धीरे बड़े हुए और अपने उस विधान अनुसार कि वो श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ आत्माओं में से कौन कौन, जो परमात्मा को कलयुग में किन किन को परमात्मा मिला, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, दादू दास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, हरियाणा प्रांत जिला झज्जर, पुराना रोहतक जिला था, अब जिला झज्जर, गांव छुड़ानी, छुड़ानी में आज भी वो स्थान पर यादगार बनाई हुई है जहां परमात्मा आकर के प्रकट हुए थे सतलोक से और अपनी प्यारी आत्मा 10 वर्षीय बाल गरीबदास जी को मिले थे। आदरणीय घीसा साहेब दास साहेब जी, इन पुण्यात्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं के से तो दास परिचित है कि इनको भगवान मिले थे। उन्होंने सबने फिर एक ही डंडोरा पीटा है, एक ही एफिडेविट दिया है, एक ही ज्ञान दिया है कि परमात्मा सशरीर है, ये धानक कबीर बनारस में आया था, वही कबीर है।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले कहते हैं कि हम सुल्तानी यानी हम सभी, मैं भी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक तारे जो सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी हैं, कहते हैं हम सभी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया जो दादू जी हुए हैं। पहले तो राजस्थान में थे उनका अजमेर के अंदर, फिर अहमदाबाद के पास भी उनका बना हुआ दादू जी का सांभर, सांभर दरिया के ऊपर। कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद ना पाया, भाई काशी वाह कबीर हुआ। वो परमात्मा थे, उनमें से एक धर्मदास साहिब जी उन्हीं के शिष्य हुए और धर्मदास जी बहुत बड़े सेठ थे। उनके पिता और दादा के विषय बताया जाता है कि जब भी उस क्षेत्र के नवाब राजा को कोई प्राकृतिक आपत्ति के कारण वित्तीय कमजोरी होती, धन का अभाव होता, तो धर्मदास उस लाला जी के पूर्वज से, पिताजी से और वित्तीय सहायता लिया करते थे। यानी राजा का काम धर्मदास के पिताजी चलाया करते थे, पैसे देकर, इतना पैसा था उनके पास। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको पुण्यात्माओं, ने भगवान के मार्ग में पैसे की जरूरत को ना किसी उच्च जाति या मजहब की आवश्यकता, केवल आत्मा प्यारी हो, परमात्मा की चाहने वाली हो, किसी भी मजहब और किसी भी जाति की हो, परमात्मा पावे पावे। आत्मा का सौदा परमात्मा तो लाल का, परमात्मा तो लाल का सौदा करता है, लाल से तिजोरी में तो रखा किसी ने, बढ़िया में, चाहे किसी ने बोरी के लत्ते में कपड़े में लपेट कर लको रखा कि तूड़े में भूस में, उन्हें लाल चाहिए यानी किसी भी जाति या मजहब में अच्छी आत्मा भगवान की चाहने वाली है, परमात्मा ना छोड़ उन्हें काट निकाल ले जाएगा जब कमजोरी है वो। तो यहां इसलिए बता रहे हैं कि इतना पैसा और फिर भगवान की चाह तो कितनी अच्छी आत्मा होगी, नहीं तो जिसके पास पैसा है ना कह तो बकवादा में लावा है, कह गुटी सूटी लाओगा, कह कि तो सांग में दे देगा तो चमोल्य बुलवा देगा, या कि तो और मंदिर का लठ गडवा देगा जो कि तभी काम ना आवे, और भक्ति तो करे नहीं, कह राजनीति में ला देगा, किसी एमएलए का पीछा आठ नंडे जागा उड़ा वहां बर्बाद कर डालेगा। तो कहने का भाव ये है कि इतना पैसा होकर भगवान की चार कितनी भी नम्रता, ये थी वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनको परमात्मा ढूंढते फिरते हैं। गोता मारू स्वर्ग में और जा पैठू पाताल, कह कबीर में ढूंढता फिर अपने हीरे माणिक लाल, हीरे मोती, अपने लालों की खोज करता रहता हूं। उन्हीं हीरे मोतियों में से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। धर्मदास जी ने एक अपने पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते गुरु भी बना रखे थे। गुरु जी का नाम था श्री रूपदास जी, जो वैष्णो साधु थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर साधना करते और करवाते थे। पुण्यात्माओं, आप जी को ये दास ऐसा ज्ञान देना चाहता है कि आप इतने दृढ़ हो जाओ चाहे तूफान आ जावे, नकली लोग से 20 मिलना आपको तो 100 मिल जाए आकर के कि तुम गलत साधना कर रहे हो, आप उनकी मानो नहीं तब आपकी भक्ति चलेगी, तब आप पार होगे। इसलिए आपको रह रहकर यहां बुलाया जाता है और ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके हृदय में फीड किया जाता है कि आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ और फिर आप क्या करोगे, आप परमात्मा की ऐसी लीला है कि ये ज्ञान शुरू होते ही अंदर प्रवेश होते ही हृदय में दसते ही फिर आप अन्य को ढूंढते हो कि कौन सुने मेरे ज्ञान को, हमारे भगवान के ज्ञान को। तो ऐसे ही एक विस्फोट होगा कुछ दिनों में, धीरे धीरे जनसाधारण को आप भी समझाओगे सब, धीरे धीरे ऐसे हम अपने ज्ञान का फैलाव करेंगे। सत्य सच्चाई सच्चा ज्ञान है।
तो इसलिए आपको बुलाया जाता है कि आप परमात्मा से प्रीतित हो जाओ दृढ़ता के साथ। अब जैसे ये क्रोथाकांड करवाया, इसका मुख्य कारण यही था कि उन नकली आचार्यों की पोल खुल गई, वो अपने ग्रुप को आर्य समाज की आत्माओं को मूर्ख बनाए बैठे हैं। और आज भी मानने उनको तक ये ज्ञान नहीं जाने देना चाहते थे कि सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसमें कोरी बकवाद भर रखी है, कोरी झूठ बकवाद, ना कोई अध्यात्म ज्ञान ना कोई व्यवहार का ज्ञान। तो इस दास का उद्देश्य ये था कि जब ये सत्यार प्रकाश या कोई किसी अन्य ऋषि के अनुभव की पुस्तक उन्होंने अपना अनुभव लिखकर समाज में पेश कर दिया, इससे सिद्ध है कि उसको इतना ज्ञान था। और ये दास ये चाहता कि पहले आप उन्हीं के ज्ञान से परिचित हो जाओ, वो तुम्हें के दे कर जा रहे हैं और अपने वेद वो खजाना क्या बता रहे हैं, इन दोनों से तुलना होने से तुम वहां से हट पाओगे। और कोई दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, और आलोचना वो होती है झूठी कपटी कपट करे, और जो की तो पढ़ कर सुनावा, लिख लेख लिखे, फोटो कॉपी करके दिखावा, फिर भी नहीं माने हुए, तो वो थे वो नकली व्यक्ति जो समाज के शत्रु हैं। वो नहीं, उन्होंने कोई किसी से लेना देना नहीं, माँ भगवान से ना समाज से, वो तो अपना उल्लू सीधा रखे हैं कि तुम्हारा पद बरकरार रहे, दुनिया को गुमराह करे। तो उन्होंने ये चाल चली थी, और जिसके कारण उसने मुख्यमंत्री, इन्होंने मुख्यमंत्री जी भी उसी ग्रुप का बन गया। इनका बैड लक, इस मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य कि वो इसे मौके में आ गया जब ये कुश्ती शुरू हो रही थी। संत, ये है संतों की ज्ञान की लड़ाई, और इसने बीच में कबड्डी खेल दिया कि न उनके बैक आए मां के। इन झूठा ने इतना भ्रमित कर दिया उस मुख्यमंत्री जी को कि उसने इन झूठों को सच्चा मान लिया और क्रोथाकांड करा दिया। अब ये क्रोथाकांड होने से परमात्मा ने अपने बच्चों की ये देखना था कि जो बगीची हमने लाई है ये कितनी जड़ पकड़ेगी, ये कितनी मजबूत होगी या कच्ची है। तो एक भयंकर तूफान छोड़ा मालिक ने, उनके कर्म बिगड़ गए और हमारे भगवान हमारे भगत छट गए। यानी इतने तूफान में भी, इतनी बकवाद, इतनी झूठी, तो अखबारों में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इतनी झूठ बोल दी, और फिर भी हमारे भक्त तस से मस नहीं हुए और उससे अधिक बढ़कर अब उपदेश लेने आ रहे हैं। तो दास ये चाहता है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि किसी के तोड़े नहीं टूटे, तो फिर वो बाग फड़ा करे। उस हमारी दास की मेहनत सफल हुई, इतने बड़े भयंकर तूफान में भी एक भी टहनी भी ना टूटी मेरे बगीचे की। इस दास का, ये दास नौकर है, बगीचा उस कबीर भगवान का, आप उसके बूटे हो, पौधे हो, आप इतने मजबूत हो गए कि आप एक भी ना टूटा, बल्कि और आने लग रहे हैं। दूर दूर तक इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर वो पुण्यात्मा सैलाब की तरह उठ कर आएंगे कुछ दिनों में, आप देख लेना। अब ये ज्ञान रह रहकर आपको इसलिए समझाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ। और दूसरा ये है कि आपको धनी बनाया जा रहा है, भक्ति का धनी, क्योंकि ये एक ज्ञान यज्ञ है और एक यज्ञ का बहुत पुण्य है। हमने यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है, और उन यज्ञों के बिना हमारी ये भक्ति रूपी जो सतनाम रूपी पौधा प्रफुल्लित नहीं हो सकता। जैसे बीज जो है उसको पौधा बनाने के लिए, पेड़ उसको प्रफुल्लित करने के लिए खाद और जल सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है, ऐसे ही भक्ति सतनाम रूपी पौधे को जो बीज आप में बीजा है, इसके लिए ये यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ये सभी और ध्यान यज्ञ, ये सभी यज्ञ करवा के आपके भक्ति रूपी पौधे को हमने परिपक्व करना है। इसलिए ये ज्ञान सुनाया जाता है। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए।
आपको धनी बनाया जा रहा है। ये ज्ञान यज्ञ, यहां आप आते हो, पांच यज्ञों का लाभ आपको यहां मिलता है। और जब आप घर से चलते हो, अपने अपने घर से चलते हो, तो आपको वहां से यहां तक आने का भी बहुत यज्ञों का पुण्य होता है। जब कहते हैं कबीर, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। एक कदम आपके घर से यहां तक कितने कदम होते हैं, चाहे आप किसी में आते हो, किसी गाड़ी में आते हो, किसी तरह आते हो, लेकिन यहां कदमों का खेल है। एक कदम जो है एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ का कितना पुण्य है कि 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है प्राणी, स्वर्ग का राजा बन जाता 100 यज्ञ करने से। उन यज्ञों में से कैसे है कि 100 मन देसी घी एक ही बार प्रयोग करना होता है, एक बार की यज्ञ में, जिसमें हवन भी और धर्म भंडारा भी। अब जिसमें 100 मन देसी घी लग गएगा तो बाकी आइटम कितनी लगेंगी, अंदाजा लगा लेना। तो ऐसे वो 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है, इतना धनी हो जाता है। और आपको कितनी यज्ञ हम करा रहे हैं, एक धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और ये ज्ञान यज्ञ, इन सभी यज्ञों से आपको यानी परिपूर्ण किया जा रहा है, आपके द्वारा करवा के आपको धनी बनाया जा रहा है। अब हम यहां का ना इंद्र की पदवी प्राप्त करेंगे और न ही हम ब्रह्म लोक में जावांगे, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाएंगे, ना ही हम यहां का कोई पद पाएंगे, ना हमने राजा बनना है, ना महाराजा बनना है, हमने अपने यहां से पीछा छुटवाना है। तो ये धन आप कितने वीक हो चुके हो, चौथे युग में आ गए आप, भ्रमते और भटकते अपने पुण्यों को बर्बाद करते करते आप इतने कंगाल हो गए हो जिसकी गणना को नहीं। अब आपको फिर भक्ति उसी तरह जितने भक्ति शक्ति युक्त आप सतलोक से आए, जो आपके अंदर पुण्य थे, उतने ही पुण्य फिर तैयार करवाने पड़ेंगे आप में, तब आप सतलोक जा सकोगे। उन पुण्यों का हम यहां कोई हिसाब किताब यहां नहीं, कोई सुविधा नहीं लेंगे यहां की। यहां की सुविधा हम यहां के पुण्य जितनी भी कमाई है यहां छोड़ देंगे, उसके शेष बची हुई कमाई जो है वो हमें सतलोक ले जाओगी। तो आपको धनी बनाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य है। यहां संसारिक सुख जो आप मांगते हो, क्योंकि यहां पहले तो दुखी आत्मा आती है, मोक्ष तो बाद में ध्यान में आवे है, पहले इन संकटों से पीछा छूटा है। तो परमात्मा सबसे पहले आपके ये दुख निवारण करेगा, क्योंकि दुख दूर ना हुए तो भक्ति कर ही नहीं सकते, कति नास्तिक हो जाओगे। तो आपके भाग ऐसे नहीं है, भाग नहीं है आपके, पुण्य नहीं है इसलिए आप दुखी हुए, क्योंकि जब तक पुण्य थे तो आप सुखी थे, पाप का दौर शुरू हुआ तो आप दुखी हो गए। तो आपके पुण्य नहीं है बिल्कुल। यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से कुछ राहत देता है कि इसका दिल डटे, आत्मा मुझे पहचान सके। धर्म दास या गणा अंधेरा और बिन परिचय जीवजम का चेहरा। धर्मदास जी को परमात्मा कहा करते थे कि धर्मदास संत जो होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते, और भाई वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार नहीं हुआ, यानी संत नहीं है जो न्यू कह चल तेरा न्यू कर दूंगा, तेरा छोरे हो जाएंगे, तू सेठ बन जाएगा, ये इस तरह की बकवाद वो जंतर मंत्र करने की नहीं देता। और वो संत भी नहीं जिससे दुख दूर ना हो, जिससे चमत्कार ना हो, यानी ऐसे अचंभित करने वाले सुख प्राणी को ना हो, तो वो संत भी नहीं है। अब दोनों ही बात बता दी कि धर्मदास यहां घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। तो परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी यहां काल ने घना ज्ञान फैला दिया, और जय मैं ऐसे सुख ना जो चमत्कार ना करके दिखाऊं, दिखाते नहीं, उनकी वतनों से उनके वैसे हो जाते हैं बगैर किए ही। तो जब तक ये पुण्यात्मा
मेरी शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे तब तक ये काल के जाड़ते उल्टे नहीं हट सकते। मेरे पास आओगे न सुख दूंगा अपने को इत्यादि, ये अप चपक जाएंगे, ओहो भगवान पा गया, ओहो ये तो सोचा भी ना था ऐसा सुख भगवान ने दे दिया, और भगवान इसे सुख दिया करे। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले उन सारे सब काम। परमात्मा ढूंढते फिरे थे दुखों का निवारण करवाने के लिए, धनी बनने के लिए, कि तो पर्वत पर कि तो गुफाओं में, और भगवान वहां पाओगा उस मंदिर में बतावे हैं, केदारनाथ में बताया, यानी सारा गुण लिए। और संत राम जैसे संत मिले उन सारे सारे काम, सब काम, छोटे मोटे काम तो एक आधा जंतर मंत्र वाला भी कर दिया करें, कोई जाड़ जाड़ नहीं, अभी थोड़ा सा राहत दे देगा, लेकिन वो जाड़े जाड़ सके है इस भयंकर कष्ट से नहीं बता सकता। और यहां सारे सुख होंगे सच्चे दरबार में। आप जैसे ये कई क्या करते हैं, केवल यज्ञ हवन यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ स्वाहा स्वाहा, वो केवल उससे यज्ञ करके ये मान बैठे हमने बहुत कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर दिया, ये तो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अब जैसे कोई रोगी है और वो रोगी घना कमजोर हो गया, तो डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज चढ़ाओगा और उसमें तीन चार प्रकार के टीके लगाओगा ताकत के, तो वो ग्लूकोज जो है वो रोग काटने की नहीं, शरीर ने थाम्बण की है, ये शरीर नष्ट ना हो जा, वो इस शरीर में जो त्रुटि आएगी है, कमजोरी आई है, उसको थोड़ा सा सहारा दे देगा, रोग नहीं काटेगा वो ग्लूकोज। उसके रोग काटन के फिर इंजेक्शन न्यारे हैं, टेबलेट्स अलग हैं, गोलियां दवाई जड़ी बूटी वो अलग से खानी पड़ती है। ऐसे ये पांच यज्ञ, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान की, ये तो ग्लूकोज है, ये तो ग्लूकोज समझो जो चढ़ाई जा रही है आप, क्योंकि आप चौथे तो यज्ञ मान लिए और इतने कमजोर हो चुके हो कि आप कति कंडम हुए पड़े हो, अंतिम अंतिम जन्म है तुम्हारे अब ये, जब यू मालिक ना मिलता तो कोई पशु बनता, कोई पक्षी बनता, ऐसी जुर्म हो जाते, क्योंकि धर्म कर्म का कोई रास्ता नहीं था। पेट भरन के लिए सारा दिन हाहाकार माच रही थी, उसने लूट लिया, उसने खसोट लिया, उसका मिलावट कर दूं, है उसका ऐसे दूध में मिला दूं, घी में कुछ मिला कर बेच दूं, ऐसी ब्रांड माटी ऐसी जो ना दुष्कर्मों से धनी बनना चाहते थे जो दूने पापी बनते। अब ये अंतिम था आपका, तो इसलिए आपको ये पांचों यज्ञ करवा के ये ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, और ये मंत्र जाप जो आपको बताए गए हैं ये आपको वो कैप्सूल हैं जो रोग काटने के, तो ये सारा उपचार आपको कराना पड़ेगा, तब आप यहां से मुक्त होगे, जन्म मृत्यु का रोग आपका जब कटेगा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा वडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा वडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जन्म मृत्यु का रोग लग्या या इच्छा बढ़री खांसी तृष्णा, नो जोड़ दूं, कोठी बना लूं, कार बना दूं, हैं नो कर लूं, और एक मिनट में मृत्यु हो जा, तोड़ दिया कला की तक गद्दा बना पाओ उसको, ठीक है बराबर में खड़ा पाओगा जो का, या तृष्णा बढ़री खांसी, जैसे किसी का खांसी हो जा, मिनट मिनट में खांसी उठा कर, तो वो कहते ऐसे इच्छा रूपी खांसी थरा रोज उठे जा, पल पल में न्यू कर दूं, न्यू कर दूं, ऐसे कर दूं, वो बना लूंगा, इपका न्यू कर लूंगा, कुछ कर्जा ले लूंगा, है और जो काम करने का है वो कराया नहीं जाता है। फिर क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लग्या या तृष्णा बढ़री खांसी, और आवागमन आने और जाने की, जन्म हुआ फिर मर गया, जन्म हुआ फिर चला, ये आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, इस काल में फांसी डाल रखी है आपके,
मर गया चल फिर जन्म ले, फिर ऊपर जा फिर आ, यानी कोई गधा बन कुत्ता बन पुनः तो स्वर्ग में जा फिर नीचे आ जा। फिर क्या बताते हैं कि भाई साचा सतगुरु को ना पूजे इन झूठों जगपति आसी, अंधे की वह पकड़ रहा अंधा, बता मारग कौन बतासी, ये सारे अंधे ज्ञानहीन थे। अभी आपने दुर्गा पुराण के सातवें स्कंद में आपने ज्ञान ग्रहण किया, जिसमें भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु जी के ज्ञान का पता चला। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, ये सबसे आखिरी देवता है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, इस तब आगे कोई देवता नहीं। और दुर्गा कहती है कि ब्रह्म का जाप करो और सारी बात छोड़ दो। ब्रह्मा और नारद जी और व्यास जी विष्णु को ही सर्वेश्वर मान रहे थे, और ब्रह्म कहता वो परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में, 18 के 62 में वो कोई और भगवान है। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु को ये ना पूजे इन झूठों जगपतियासी, और अंधे की वहां और पकड़ रहा अंधा, बता मारे कौन बतासी, आज तक ये सारे अंधे की वहां अंधा पकड़ के और सैर सपट्टा वह घूम रहे थे, चल रहे थे, यानी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, रास्ता किसी को पता नहीं था। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के सार सबल सरजीवन बूटी और घिस घिस अंग लगावे और कह कबीर तुम सत्कर्मानो जन्म मरण मिट जावे। तो अब वो शब्द वो वास्तविक मंत्र आपको मिलेगा, आपका छुटकारा होगा। अब हम अपने उसी विषय पर आते हैं कि आपको सतलोक ले जाना है, और सतलोक जाना कैसा है वो विधि आपको बताई जा रही है। तो धर्मदास जी के विषय में हम दास आपको ज्ञान देना चाह रहा था, और इस बीच में ये टिप्पणी इसलिए जरूरी होगी कि आप जी केवल अभी तक कहां तक सीमित थे, कुछ एक तो भी भगवान की कथा सुना दे, कोई महाभारत की कथा सुना दे, मोर ध्वज राजा की कथा सुना दे, सुदामा कृष्ण की कथा सुना दे, या फिर गोपनीया में रास करा करते कृष्ण जी वो सुधा सागरी कथा सुनाते, तो हम उस रंग में रंगे हुए थे, वो तो मन को रिझाने वाली बातें थी, वो तो मन को राजी करने वाली बात थी, उसमें तत्व ज्ञान नहीं था। और वो ही जैसे भगवान की महिमा की मीठी मीठी वाणी आपको अच्छी लगती है, ये भी कान का विषय है। जब तक ये सारे विषय आपके नहीं हटेंगे तब आप भक्ति के योग नहीं बन पाओगे। तो इसलिए हमने ये जो परमात्मा का प्रवचन है ये यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक कथाएं हैं प्रभु के पाने की, किनको भगवान मिला, कैसे मिला, क्या क्या उनके साथ संघर्ष किया प्रभु ने, तो ये हमने आपको ये सुनाना है, आपके हृदय में जमाना है, और फिर ये ज्ञान यज्ञ के रूप में आपके अंदर अमृत वर्षा भी होती रहेगी। अब जैसे धर्मदास जी अपने रूपदास जी वैष्णो संत की शरण में होकर के तन मन समर्पित थे, तन मन धन से समर्पित थे। भोली आत्मा श्रद्धालुओं का एक स्वभाव होता है कि वो समर्पण करते हैं, जो पुण्य आत्मा होती है वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते, ना गुरुजी के वचनों पर ज्ञान में कोई मीन मेख वो नहीं निकालते, उन पर निकले को ना, वो इतने पोलाइट होते हैं कि गुरुजी ने जो कहा यस हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उनको वो गुरु मानते हैं, और गुरुजी जो कहे उसमें यस ही होनी चाहिए, नो नहीं, जब नो होगी तो फिर वो गुरु शिष्य का नाता भी समाप्त। अब ये विधान है प्रभु का, और इस विधान का उन नकली संतों ने नाजायज फायदा उठाया, ये है तो उन परम संतों के लिए जो केवल सच्ची सच्ची बोले, और वो ला दिया उस नकली संतों के साथ वही फार्मूला सब लगा कर बैठ गए, भाई गुरु की बात में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, गुरु जी जो कहे सच्ची कहे, अरे वो गुरु जी होते तो सच्ची कहते, फिर इस दास ने डले डोंड की क्या जरूरत थी, बूंदा कुआं और सच्ची बताऊं,
दुनिया गाड़ दे मुझे, क्योंकि उन नकली संतों ने भ्रमित कर दिया समाज को, मानव समाज को। उस ये नहीं बताया कि वो क्या करता है, क्या ज्ञान बताता है, लेकिन वो झूठी अफवाह फैला दी, गुंडा है, बदमाश है, बदमाशी करता है, नो करता है, तो उस अब गुंडा को आऊं और गुंडा को आऊं और सच्ची बात बताऊं, तो ये वो कुछ दिनों में आप पे फेल हो जाएंगे। सच्चाई तो ऊपर आके रहा करे, सच्चाई कुछ दिन दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। तो ऐसे वो धर्मदास जी जो थे वो रूपदास जी के शिष्य थे, और रूपदास जी ने जो भी ज्ञान दिया समर्पित होकर के स्वीकार किया। अब जो थोड़ा बहुत वक्ता है वो आम भगत हैं तो कुछ ज्यादा ही माइंड रखता है, तो वो सारे फार्मूले जाने हैं किस प्रकार इस मानव समाज को अपने पीछे लगाया जा सकता है। तो उसी आधार से आपको वर्णित करके उन नकली संतों ने अपना पीछा ला लिया। यहां परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य हो गए। आपने कितना नाम ले रखा है वहां, धन धन सतगुरु थे, अच्छा वहां बढ़िया गुरु जी है, वो कमाल है भाई, के देखा वो हो इतनी जनता जा रही है, पूछो बदड़ती देखे मनस मनस। ये पैमाना ला लिया हमने बड़े संत का, भाई बहुत जनता जाती है वहां, कर्नल साहब भी जा रहे हैं वहां पर, फलाना साहब भी जा रहे हैं, SDM साहब भी नाम ले रहे हैं, DC साहब भी ले रहे हैं। अब वो SDM और DC कर्नल साहब ने अध्यात्म ज्ञान का के मेरा तो बालक है, उनको ये चतुर लोग आसानी से मूर्ख बना सकते क्योंकि वो पुण्यात्मा परमात्मा सहने वाली है। अब डॉक्टर की दवाई को इंजीनियर के जाने, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, अब डॉक्टर की इक्वेशन को डॉक्टर ही बता सके इसने के दवाई दे रखी है सही है गलत। तो ये दास है डॉक्टर इस अध्यात्मिक ज्ञान का, और ये नकली डॉक्टरों की औषधि मैंने पकड़ ली कि ये गलत दे रहे हैं तुम्हारे को, ठीक नहीं। तो ये दास को तो फिर ये बुंडा बतावेंगे क्योंकि इनकी दुकानें बंद होंगी, ये तो होंगी, ये तो पति फाइनल है, ये संत नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर जो नकली है। पृथ्वी का मीन ये एज ए संत रूप में रहेंगे, जनता ने इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी, ये अकेले बैठे पाओगे सांझे की तरह। एक अंधा बदनी था और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो सामने भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़े नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बणी में ले गए, अक्सूरदास यहां तो आदमी आओगे, यहां ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहां जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बणी में करना है अपना भजन। अक भाई चलो फिर तो बहुत अच्छी बात, वहां जाकर खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था उस रस्ते के ऊपर एक मैदान से मैं खड़ा कर दिया आंधा, और दो चार उसके साथ चले गए, दो उसने जो शब्द शब्द पांच चार भजन कहे इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या, फिर ने बोले वो हम नहीं बोलेंगे तेरी बात में ज्ञान गणाया गया, तू एकला लग रही है, अका अच्छी बात। अब आम दिन हो गए, दो घंटे बोलते ने वो गाने गावे, इतने में एक रस्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में, वो कहने लगा रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना रास्ता बता, तो अंधा बोला रे निकम्मे यो देश बैठा यहां पर, कितने आदमी बैठे इतना मैं पाया रास्ता पूछने, वो बोला रे तेरा फूफा बैठा है कोई भी कोई ना, इकला बांडा खड़ा खड़ा, अरे कोई यहां पर कोई नहीं है, तू आप बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ माई रे तेरा गजब यात्री गिर धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा इन नकली संतों ऋषियों और मंडलेश्वरों के साथ, ये अकेले बंडिया करेंगे अपने उड़ा बैठ कर इन आश्रमों में कमरों में, और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है, और वो आश्रम इन भगताएं का काम आओगे जो पुण्यात्मा जी ने वो बनाया है, सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में रोक दिया कति पाप में ऐसा कर दिया जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया, वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका।
अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना रोया करेंगी पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे और उस रूपदास के द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानते थे और साथ में भगवान शंकर जी की भी पूजा, जैसे हम हिंदू लोग करा करते हैं। सभी इन तीनों देवताओं में से ब्रह्मा की तो पूजा कोई करा नहीं करे, और श्री विष्णु जी की, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, गणेश जी की और दुर्गा की, लक्ष्मी की, और भी नरे जितने और देवता आ जाते हैं वो भी सब पूजाएं हम करते हैं, क्या करते थे, एज ए इष्ट पूजते थे सभी को। तो ऐसे वो धर्मदास जी भी पूजा किया करता था। अब उनके रूपदास जी ने उसको बताया था, बेटा 68 तीर्थों पर जाया करे, बड़ा पुण्य होता है। विष्णु पुराण में लिख रखा, ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है ना, तीर्थों पर ऐसे पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है। तो वो भी उसके ट्रीटमेंट का एक टेबलेट थी रूपदास जी की, आत्म कल्याण का जो उसने रास्ता बता रखा था, साधना बताई थी, उसमें से एक था। एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत है, और राम कृष्ण जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम राधे राधे श्याम लादे, ये मंत्र विष्णु सतोत्र ये पढ़ा कर, गीता जी का पाठ नित किया करवाई। अब जैसा रूपदास जी को ज्ञान था वो उसको बता दिया था धर्मदास जी को। अब धर्मदास जी अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए उस भक्ति के साधना को, भक्ति की साधना को तय दिल से कर रहे थे और उसको मोक्षदायक मानकर कर रहे थे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थों पर भ्रमण करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई यज्ञ योगा करता है, और इन सब साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। यदि उनको ये ज्ञान हो कि पाप नाशक नहीं तो छोड़ दे, वह इसलिए करते हैं कि जो साधना तुम करे सही है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि ये कौन सी साधना सही है ऐसी, और कौन से साधना हमारी विस्तार से जो कही गई है वो सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से आकर के जो बोला है वो तत्व ज्ञान, उसमें इस प्रकार के बहुत विस्तार से ज्ञान कहा गया है और उसमें निर्णय दिया गया है कि वो साधना जो वो लोग साधक करते हैं वो ठीक है या गलत है और कौन सी साधना यथार्थ है। ऐसा ज्ञान उस सूक्ष्म वेद में, पांचवें वेद में परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताया है। तो उस लोक वेद के आधार से सुनी हुई साधनाओं से, शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को, मनमान आचरण को धर्मदास जी फाइनल मानकर अपनी पत्नी आमनी देवी से यानी आज्ञा लेकर के, उससे सलाह मशूरा करके और कुछ पैसे रस्ते के व्यय के लिए लेकर चल पड़े। कहां पहुंच गए, वृंदावन मथुरा में, और वहां जाकर के उस तालाब में जहां श्री कृष्ण जी बालकपन में नहाया करते थे, वहां स्नान के लिए वहां पहुंच गए, यानी शाम ने वहां पहुंच गए, सुबह स्नान किया उस तालाब में और खूब मलमल के नहाए श्रद्धा से और जल का लोटा भर के लाए और वहां थोड़ा सा गोबर, गाय के गोबर और मट्टी ते गारा ते लीप के और स्वच्छ स्थान बनाया, उसके ऊपर बैठ कर फिर गीता जी का वो पाठ करने लग गया। परमेश्वर जैसे वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1-3-4 में 1-2-3 में इन मंत्रों में यही बताया गया, वो परमात्मा अपने सतलोक से आता है
और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर वो मिलता है और उनको ज्ञान देता है, उपदेश देता है, उसी उद्देश्य से आता है अपनी श्रेष्ठ आत्माओं में। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा धर्मदास जी के वहां वृंदावन बरसाण उस मथुरा में पहुंच गए और बैठ गए 50 फुट की दूरी पर एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक ओवर कोट पहनते काला सा गट्टे तक घुटनों से नीचे तक का, एक काला सा टोप ऐसे लंबा सा, ऊपर लंबी सी चोटी नो टोपी ऊंचा दर की बना लिया ना कई बार ऐसी लंबी लंबी ऐसे। इस वेशभूषा वाले साधु को जिंदा महात्मा जिंदा संत कहते हैं। इस रूप में दूर बैठ गए क्योंकि हिंदू लोग मुसलमानों से हेट करते हैं, विशेषकर जब वो अपनी साधना करते हैं कि मुसलमान लोग मांस खाते हैं इसलिए इनके ये हमारे निकट नहीं आने चाहिए जब हम पूजा कर रहे हों। इसलिए मालिक ने सोचा दूर बैठ जा कदे बिदक जा तेरी बात भी ना सुने। तो जब वो गीता जी का पाठ कर रहा था जिसा उसने ज्ञान था अनुवाद भी गेल करे था, परमात्मा खुश हो गए ऐसे ना ढलारे कहो बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है। तो धीरे धीरे उसे 10-1 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। धर्मदास जी ने भी खूब अपने उच्चारण करके ज्ञान सुनाया कि ये बाबा जी मुसलमान होके और हमारी हिंदू वाले ज्ञान को पसंद कर रहा है, हो सके इसके भाग जाग जा। तो और विस्तार से कई अध्याय पढ़ दिए कहीं कहीं से श्लोक। जब उसने अपना कर्म कांड नित्य नियम कर लिया तो परमात्मा ने एक दास बनकर उस बोली आत्मा को प्रसन्न किया। अब पुण्यात्माओं कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अपनी प्यारी आत्मा को शरण में लेने के लिए ना जाने के वेशभूषा बना लूं, किस तरह रोल करूं ताकि ये काल के जाल से निकल कर मेरे पास आ जाए। हाथ जोड़ के न बोले क्योंकि उसने धर्मदास जी ने वैष्णो संतों जैसी वेशभूषा बना रखी थी, माथे में लंबा तिलक पूरे नाक पर ओढ़ती, गले में कंठी माला एक तुलसी के मणिये की है और ऐसे तब मंथा बांध रखा जैसे एक बोथा सा बांध लिया कर एक तद्राहा कुर्ता पहन रखा लांडा सा, यानी करमंडल ले रहा, यानी इस तरह बना रखा जैसे वो विष्णु साधु बनाया करे। तो परमात्मा ने कहा हे साधु हे महात्मा जी मुझे कुछ ज्ञान सुना दे, आपकी बात मैंने बहुत बढ़िया लगी। अब धर्मदास जी और खुश हो गया कि भाई एक मुसलमान मेरी बात सुने तो उसको लगे सुनाने। फिर आपस में क्या वार्ता होती है, परमेश्वर ने क्या कहा, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा कहते हैं ज्ञान सुना दे और मुझे कोई विधि बता दे जिससे मेरा कल्याण हो जावे। अब न्यू ना बोलना हो तो धर्मदास बिदक जाओ, एक तो मुसलमान वेशभूषा में और फिर अपने ज्ञान को प्रचार करने लगे तो कति नहीं सुने। तो मालिक ने उसी से यातना की कि मैं दास हूं अज्ञानी हूं मुझे ज्ञान भक्ति मार्ग का पता नहीं, आप कुछ ज्ञान सुनो ताकि चर्चा का विषय बढ़े, इंटरेस्ट हो सामने वाले को ताविकता की मैं इंजेक्शन ला सकूं, इसका परमात्मा ने ये सोचकर कहा। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं, धर्मदास जब न्यो बोला 68 तीर्थ नाऊंगा, धर्मदास जब न्यो बोला 68 तीर्थ नाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूँ इस विद मुक्ति पाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूँ इस विद मुक्ति पाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं।
ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा उत्तर देते हैं, तीर्थ जल में कछ और मथा वो जीव बहुत से रहते हैं, तीर्थ जल में कछ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब तुम किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर क्या बताता धर्मदास, एकादशी का व्रत करत हूं जीव हंसा कोई करता ना, एकादशी का व्रत करत हूं जीव हंसा कोई करता ना, शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना, शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना, शालग्राम की पूजा करूं मैं दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा वो कहते हैं, अरे व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं, शिवलिंग पूजा या शालग सेवा अनजाने में करते हैं, शिवलिंग पूजा और शालग सेवा अनजाने में करते हैं, चेतन हो कर भूल रहे तुम वो पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर परमात्मा साथ में बता रहे हैं, वह तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे है, तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे है, जल में सूक्ष्म जीव बहुत वो स्नान करत संहारे है, जल में सी सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संहार है, चौका देवो हवन करो उसमें हो हंस्या बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। सात दीप और नौ खंड ये स्वप्न जैसा खेल है, सात दीप और नौ खंड ये स्वप्न जैसा खेल है, तीन लोक और भवन चतुर्दश या कालबली की जेल है, तीन लोक और भवन चतुर्दश या कालबली की जेल है, महाप्रलय में नष्ट हो जावे फिर तुम कहां करोगे विश्राम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है, पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है, सतनाम बीज जो बोवे वो फल भक्ति का खाता है, सतनाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है, काल जीव को उलझाता है वह दे के उल्टा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। इतनी कह के साहेब कबीर अंतर ध्यान होए जी, इतनी कह के साहेब कबीर अंतर ध्यान होए जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोए जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोए जी,
भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाने को। अब धर्मदास जी ने ये वार्ता तो आपको मैं क्लियर करूंगा आने वाले सत्संग में, लेकिन समय के अभाव से आपको संक्षिप्त सा बता रहा हूं। जब परमेश्वर ने उसके सारी चौंद तोड़ दी, सारे सदग्रंथों के रहस्य बता दिए, जब सारे छोड़कर वो व्रत और तीर्थ और वो पाखंड पूजा करता था, रोता हुआ घर की तरफ चल पड़ा जो भगवान दिखाई ना दिए। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर ने चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजू अपनी जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई, जब मिले कबीर भगवान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। पुणात्माओं, ये तत्व ज्ञान एक ऐसा जटिल विषय बन गया। इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, यानी सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारी कथाएं आपको सुनानी पड़ रही हैं। अन्यथा जब आप परिचित हो जाओगे, कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर जी है और ये इनके पाने की विधि है, और किन किन को ये भगवान मिले, ये कथाएं आपको याद अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि आपको भ्रमित नहीं करेंगी। फिर तो नाम जाप करना है, गुरु की मर्यादा में रहना है, और अपना पुण्य धर्म जो भी आदेश हो गुरुदेव का उसको करते रहना है बेड़ा पार। फिर तो साधना तो इतनी आसान है, सबसे आसान भक्ति करना है।